प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज में बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं, किंतु अब नए तरह के नए तरह के सवाल परीक्षा में खूब झोला भर भर के पूछे जा रहे हैं। जी हाँ, अब हम बात करेंगे इस पूरे सेशन में, इस पूरी सीरीज में कि ये बौद्ध धर्म क्या है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे और यही से सेशन की शुरुआत होती है। इससे जुड़े सभी तथ्यों को पढ़ेंगे जहां से परीक्षाओं में सवाल आते हैं। बात करें कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई, जिसकी शुरुआत गौतम बुद्ध ने किया था, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा में खूब पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। बात करते हैं गौतम बुद्ध, एक ऐसा नाम जो पूरी दुनिया में व्याप्त हो गया है। गौतम बुद्ध जी का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिल वस्तु के पास लुम्बरी नामक गांव में 563 ईसा पूर्व में हुआ, जिनके पिता शाक्य वंश के क्षत्रिय शासक थे, जिनका नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। लेकिन इनका जो पालन पोषण था वो प्रजापति गौतमी ने किया, जो महामाया की बहन अर्थात गौतम बुद्ध जी की मौसी थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह शाक्य वंश की राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिसका नाम राहुल था। आइए देखते हैं स्लाइड के माध्यम से क्या क्या चीजें हैं। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नेपाल में शाक्य वंश के शाही परिवार में इनका जन्म हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाए गए स्तंभ के शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है। कहां से होती है इसकी पुष्टि? तो अशोक सम्राट 249 ईसा पूर्व के स्तंभ शिलालेख से इसकी पुष्टि होती है। इनके पिता राजा शुद्धोधन, माता माया देवी या महामाया। गौतम के बचपन का नाम सिद्धार्थ, 16 वर्ष के बाद इनका विवाह यशोधरा से हुआ और उनके पुत्र का नाम राहुल। एक बार वे चन्ना के साथ भ्रमण पर निकले थे। इसके साथ चन्ना के साथ वो भ्रमण पर निकले थे। उन्हें 4 दृश्य दिखे और इन चारों दृश्यों को देखने के बाद वे विचलित हो गए। तो क्या हो गए? वे चारों दृश्य देखने के बाद विचलित हो गए। वो 4 दृश्य क्या क्या थे, आइए हम लोग इस सेशन में देखते हैं। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, रोगी व्यक्ति, शव यात्रा और एक बार वे कपिल वस्तु घूमने निकले अपने साथी चन्ना के साथ। तो ने पहले बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी या बीमार व्यक्ति, एक शव यात्रा, फिर एक सन्यासी या साधु को देखा। उसे व्याधि, इन सांसारिक समस्याओं से व्याधि होकर वे 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने घर त्याग कर दिया। उनके गृह त्याग करने की घटना को बौद्ध ग्रंथों में महावीर निष्क्रमण कहा जाता। उसके बाद वो 7 वर्ष तक ज्ञान की खोज में भटकते रहे। फिर आचार्य आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, जो आगे इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब यही है कि क्या है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण क्या है? 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया और अपने धनाढ्य जीवन को स्वीकार कर दिया। तपस्या अधिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया। घर से त्याग के बाद उनकी मुलाकात अलावा कलाम से हुई, जिसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली, जो उनके पहले शिक्षक बने और सांख्य दर्शन और कुछ बुनियादी
ध्यान तकनीकों की शिक्षा थी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पढ़े लिखते चले गए निश्चित क्लास आप सभी के लिए देशित में राष्ट्रित में काफी हद तक महत्वपूर्ण है। उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद बुद्ध ने अलारा कलाम को छोड़ दिया और उद्धालक नापुत्र नाम के एक अन्य शिक्षक के पास गए, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि मन के एकाग्रता के क्षेत्र में कैसे प्रवेश किया जाए, जो न तो चेतना है और न ही बेहोशी। इनका नाम क्या था? अदालत रामपुत्र। इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है बुद्ध के जीवन में, ज्ञान प्राप्ति में, परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। माने अलार कलाम से शिक्षा लेकर सिद्धार्थ उरुवेला बोधगया गए, जहां मार्ग उन्हें पांच साधक भी मिले, कौंडिल्य, वप्पा, भादिया, महानामा और असागी। छह वर्ष तक बिना अन्न जल ग्रहण किए कठिन तप के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल या वट वृक्ष के नीचे निरंजन माने पुनपुन नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी या पुनपुन नदी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत हो गए और गौतम बुद्ध कहलाए। तो ये सेशन कितना महत्वपूर्ण है आप लोग ही बताइए। हम सेशन को प्रभाव रूप से आपके साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। ये सेशन आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। महाप्रजाति गौतमी, जिसकी चर्चा मैंने कहा, जो इनकी मौसी थी, महाप्रजाति गौतमी बुद्ध की सौतेली मां और मौसी थी। उनके जन्म के बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। इनकी माता का नाम कमेंट करके बताइएगा। मैंने बताया महामाया या और क्या नाम था। उनका लालन पालन गौतमी ने किया। उन्हें महिलाओं के लिए दीक्षा लेने वाली पहली महिला के रूप में जाना जाता और वह पहली महिला भिक्षु या भिक्षुणी भी बनी। यह आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट। ज्ञान की प्राप्ति जो भी मैंने आपको बताया, 35 वर्ष की आयु में लगातार 49 दिनों तक ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने बिहार के गांव बोध गया, फल्गु नदी, निरंजना नदी और कहीं उसे पुनपुन नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी? पुनपुन। पुनपुन नदी के तट पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बोध ज्ञान प्राप्त। इसके बाद वे बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध या गौतम बुद्ध कहलाए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। उपदेश, उपदेश से पहले ने जानते हैं कि धर्म चक्र प्रवर्तन क्या था। आगे भी मिलेगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ, ऋषि पत्नम एवं मृगदाव के साथ वाराणसी है। यहां पर उन्हें पांच साधकों को अपना पहला उपदेश दिया। क्या किया? पहला उपदेश दिया। और पहला उपदेश बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यहीं से बौद्ध संघ में प्रवेश भी प्रारंभ होता है। ये क्या होता है? बौद्ध संघ में प्रवेश भी प्रारंभ होता है। अब ये देखते हैं इसमें उनके उपदेश लोगों की आम भाषा पाली में होते थे। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के पास दिया था। पांच साधकों इस घटना को धर्मचक्र प्रचार या धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। कानून का पहिया बदलना। उन्होंने कौशल, वैशाली, कौशंबी आदि से विभिन्न स्थानों पर उपदेश दिए, लेकिन उन्होंने कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में अपने उपदेशों का अधिकतम संख्या में दिया। कहां पर? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने वहां पर दिए। गौतम बुद्ध के शिष्यों की अधिकतम संख्या कौशल राज्य से थी। कौशल राज्य से ही थी। अब है महापरिनिर्वाण। ये भी परीक्षा में खूब ज्यादा पूछा जाता है। आइए देखते हैं महापरिनिर्वाण क्या है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक शहर,
पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई और रामभद्र स्तूप माने मुकुट बंधन चैत्र में इनका अंतिम संस्कार किया गया। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस घटना को महापरिनिर्वाण मोक्ष के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के वृत्ति के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। एक मिनट, स्लाइड ऑफ हो गई सर। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि बुद्ध के जीवन संबंधी कुछ प्रतीक चिन्ह। जन्म को कमल का कहा गया, गृहत्य को घोड़ा प्रतीक दिया गया, ज्ञान पीपल, ज्ञान जो उनका था प्रतीक चिन्ह का पीपल या बोधि वृक्ष था, निर्वाण पद चिन्ह था, मृत्यु स्तूप था। तो ये 8 स्तूप यहां पर बने। अब गौतम बुद्ध के जीवन के प्रतीक चिन्ह जो मैंने जस्ट इसकी बात मैंने कहा, प्रतीक और कुछ प्रमुख घटना, जन्म कमल, गृहत्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, कब्रिच बोधिवृक्ष, निर्वाण पद चिन्ह, मृत्यु स्तूप। तो सफेद हाथी और क्रांति माने गर्भधारण वंश में, कमल और बैल जन्म को, कमल और बैल जन्म को, घोड़ा गृहत्याग जिसे महाभिनिष्क्रमण या महान प्रस्थान कहा गया, बोधिवृक्ष निर्वाण या ज्ञान संबोधि, पहिया धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश सारनाथ का, स्तूप महापरिनिर्वाण मृत। ये परीक्षा में पूछा जाते हैं, इनकी स्क्रीनशॉट रख लें या जो आपको जरूरत लगे उस पर आप काम कर सकते हैं। ठीक, किसी कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर पूछ सकता है। अब देखेंगे शिक्षाएं, हम बात करेंगे शिक्षाएं पर। ठीक, अब इनकी शिक्षा से जुड़े हुए कुछ अन्य ऐसे टॉपिक हैं जो परीक्षा में पूछ ली जाती है। आइए देखते हैं कि शिक्षा जुड़ी हुई क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं। बौद्ध धर्म के सिद्धांत शिक्षाओं जब हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म मूलतः अधीश्वरवादी है जिसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं, जिसमें क्या आत्मा की परिकल्पना भी नहीं, यह अनात्मवादी है। बौद्ध धर्म पूरा जन्म में विश्वास करता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धर्म और संघ। तो यहां पर देखेंगे बौद्धों का मानना है कि मानव जीवन दुख और पुनर्जन्म का एक चक्र। बौद्ध धर्म पूरा जन्म में विश्वास करता है। मैंने बताया आपको बौद्ध धर्म के तीर्थ में बुद्ध धम्म और संघ। आत्मज्ञान निर्वाण की स्थिति इस चक्र से हमेशा के लिए बचने का एक संभावित तरीका है। क्या है? एक संभावित तरीका। यह ईश्वर आत्मा में विश्वास नहीं करता, यह ईश्वर आत्मा में विश्वास नहीं करता, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। दुनिया दुख से भरी है यह अवधारणा उपनिषदों से ली गई है और बुद्ध द्वारा प्रसिद्ध की गई। मतलब बुद्ध के अनुसार मूल 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। मतलब दुख निरोध या निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए जिन्हें मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये मध्यम मार्ग क्या है जो ऊपर मैंने आपको बताया कि दुख निरोध या निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया गया जिन्हें मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो काम भोग और निर्माण की ओर ले जाने वाली गंभीर तपस्या के बीच एक मध्यम मार्ग सिखाया। यह मध्यम मार्ग तृष्णा पुनर्जन्म पीड़ा से मुक्ति दिलाता है। अब पढ़ेंगे 5 उपदेश पंचशील जी ने कहा। यहां से भी परीक्षाओं में खूब सारे सवाल। ठीक, क्योंकि परीक्षा के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो तथ्यों को पढ़ना और जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं ये क्या है, क्योंकि परीक्षा में जब सवाल आएंगे तो आपको करने ही पड़ेंगे। हाँ, शेयर कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके काम का है,
लोगों को शेयर करना चाहिए तब जरूर करिए, जिसमें अहिंसा, अवस्थे, अपरिग्रह, सत्य और नशा। ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर, आगे देखेंगे। अहिंसा मैंने जीव हत्या न करना, जीवन का जीव का सम्मान करना, अस्ते चोरी न करना, परिग्रह चारित्र न करना, सत्य झूठ न बोलना, नशा न करना। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न ये भी मैंने पढ़ा ऊपर, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और बुद्ध संस्थापक शिक्षक, धम्म शिक्षा, संघ मठवासी दोस्त, चार आर्य सत्य जो मैंने चर्चा किया। दुख दुख समुदाय, सब दुख माने दुनिया दुख से भरी है। प्रतित्य दुखम संपदा माने इच्छा के दुख का मूल कारण है। दुख निरोध, इच्छा पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुख के अंत की ओर जाने वाला एक मार्ग। ठीक है, आर्य अष्टांगिक मार्ग इसमें आठ शामिल है जो मैंने ऊपर बताया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीविका, सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यय। सम्यक दृष्टि चार सत्य में विश्वास करना, सम्यक संकल्प मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, सम्यक वाद के हानिकारक बात को झूठ न बोलना, सम्यक कर्म हानिकारक कर्म न करना, सम्यक जीव का कोई भी अस्पष्टता है अस्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना, सम्यक व्यायाम अपने आप सुधारने का कोशिश करना, सम्यक स्मृति स्पष्ट ज्ञान को देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, सम्यक समाधि निर्माण पाकर स्वयं की मुक्ति होना। तो ये एक दो तीन चार पांच छह सात, तो हम लोगों ने देखा कि प्रतीत समुत्पाद माने अज्ञानता रूपी चक्र बुद्ध के उपदेशों के सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षा का आधार स्तंभ है। प्रतिसमुत्पाद के 12 कर्म जाति, जामरण, अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श तृष्णा, वेदना, सायातन, भाव, उपादान, उन्हें द्वादश निदान भी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? द्वादश निदान भी कहा जाता है। तो अब यहां से हम लोगों ने कई महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ लिया। एक टॉपिक है बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्य को जानने के लिए कुछ चीजें हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें तीन भागों में बांटा गया जिन्हें हम त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आइए देखते हैं। प्रारंभिक बौद्ध पाली ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे, लेकिन बाद में संस्कृत में लिखे गए। लेकिन बाद में क्या हुआ? संस्कृत में लिखे गए। बौद्ध कार्यों को दो श्रेणियों में विभाजित किया, विहित और गैर विहित। विहित की अगर हम बात करें तो विहित ग्रंथ को आधिकारिक नाम माना जाता है, उन्हें बौद्ध धर्म का मूलभूत ग्रंथ माना जाता है। इन ग्रंथों को आमतौर पर अधिकांश बौद्ध परंपराओं द्वारा बुद्ध या उनके तत्काल शिष्यों के शब्दों के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। गैर प्रमाणिक ग्रंथ क्या है? उन लेखों को संदर्भित करते हैं जो आधिकारिक धर्म ग्रंथों में शामिल नहीं है, लेकिन बौद्ध अध्ययन और अभ्यास के लिए अभी भी महत्वपूर्ण। इन ग्रंथों में टीकाएं, ग्रंथ बौद्ध आचार्यों की जीवनी और अन्य कार्य शामिल हो सकते हैं जो बौद्ध दर्शन, ध्यान, विशिष्ट शिक्षाओं में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रमाणिक साहित्य में त्रिपिटक शामिल है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और विधम पिटक है, जिन्हें आमतौर पर टोकरियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोकरियां कहा जाता है। पहला है विनय पिटक, कोई भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो पहला विनय पिटक है, पिटकों में सबसे छोटा है। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है इसमें, माने इस खंड में बौद्ध भिक्षुओं के आचरण नियंत्रित करने के नियम और कानून शामिल है। दूसरा सुत्ति पिटक, जो सबसे बड़ा पिटक है, इसमें बुद्ध के उपदेश और संवादों का संकलन, नैतिक सिद्धांत का वर्णन है।
इसमें मुख्य रूप से नैतिकता, धार्मिक धर्म, धार्मिक कर्म से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुद्ध के संवाद और भाषण अभिधम्म पिटक, ये मध्यम पिटक है, बुद्ध के आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का संकलन है। यह भाग दर्शन और तत्व मीमांसा से संबंधित है, जिसमें नैतिकता, ज्ञान सिद्धांत और मनोविज्ञान जैसे कई विषय शामिल है। आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वैसे नोट्स आप प्राप्त भी कर सकते हैं, तो शॉर्ट नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं आपको अगर लग रहा है तो, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर हम बात करें बौद्ध साहित्यों में तो कई चीजें हैं। पिटक का मतलब टोकरी, ऊपर मैंने आपको बताया। अब जानेंगे कि जातक ग्रंथ में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं, ये परीक्षा में पूछा जाता है। मैंने जातक, ज्ञान भी बौद्ध साहित्य के उदाहरण में है, जातक ये बौद्ध ग्रंथ है जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियों को संदर्भित करते हैं, काल्पनिक कथाएं, ये परीक्षा में पूछा जाता है। सुत्ते पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुत्ते पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। जातक का मतलब होता है संस्कृत में जन्म होता है। कहा जाता है कि बुद्ध गोसा ने लगभग 550 जातक कथाओं का संग्रह किया था। वे मानव और पशु दोनों रूपों में बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में बताते हैं। वे पाली भाषा में लिखे गए, इस भाषा में पाली भाषा। बुद्ध ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा उपदेश त्रावस्ती में दिए तथा मगध को प्रचार का केंद्र बनाया। भारत के अलावा धर्म का प्रचार श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन देशों में रहा। बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। सर एडविन एनॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। बौद्ध धर्म को बिंबसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, प्रघोत, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन द्वारा राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया गया। कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ, बुद्ध चरित, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा पूछा जाता है। अशोक द्वारा लिखा गया बुद्ध के जीवन पर एक महाकाव्य है, जिसकी दूसरी रचना शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। यह संस्कृत में लिखा हुआ था, यह इंपॉर्टेंट है। दिव्यावदान, यह 36 बौद्ध अवदान अवदानों, आख्यान और दो सूत्रों का संकलन है, जो पूरे इतिहास में उल्लेखनीय है, बौद्ध विभूतियों के जीवन की उजागर करता है। यह कहानी अक्सर बुद्ध पर ध्यान केंद्रित करती है, यह संस्कृत में लिखा गया। मिलिंद प्रलोम, यह एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जो 100 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी के बीच लिखा गया। यह भारतीय बौद्ध विद्वान नागसेन और वक्त्रेया के इंडो ग्रीक सम्राट मैनेंडर प्रथम के बीच एक चर्चा होने का दावा करता है, जिसने ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में शासन किया था। यह परीक्षा के लिए नागसेन की रचना है मिलिंद प्रलोम, ये पाली भाषा में, किस भाषा में, पाली भाषा में पूछा जाता है कौन किस भाषा में लिखा गया था। दीप वंश और महावंशा, दीपवंश परीक्षा में सवाल आते हैं, जिसका अर्थ होता है दीपवंश द्वीप, द्वीप का इतिहास, और महावंशा का मतलब महान इतिहास। श्रीलंका के बौद्ध साहित्य में दो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कालक्रम है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का स्थापना और विकास के ऐतिहासिक विवरण भी प्रदान करते हैं। बात करते हैं कुछ विद्वानों की, इन विद्वानों का भी बड़ा रोल रहा है, ठीक है। आइए जानते हैं इन विद्वानों का क्या रोल रहा है और किस प्रकार से। गोगली पुत्तिश, यह बौद्ध भिक्षु और विद्वान थे जिनका जन्म मगध की पाटलिपुत्र में हुआ। इन्होंने अशोक धम्म अभियान चलाया और तीसरी बौद्ध परिषद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरी बौद्ध परिषद में अपनी की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। नागार्जुन, वह एक महायान बौद्ध विचारक, विद्वान, संत और दार्शनिक, जैन धर्म के मध्यमक स्कूल का संस्थापक और महायान आंदोलन का रक्षक माना जाता है। उन्हें भारत का स्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के समान उन्होंने सूर्यवाद का सिद्धांत को बढ़ावा दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा रट लीजिएगा।
काम आने वाला है आपके। बुद्ध घोष विशुद्धि गम्मा श्रीलंका की पांचवी शताब्दी में बुद्ध घोष द्वारा लिखित बौद्ध अभ्यास थेरवा अभिधम महाग्रंथ। धर्म कीर्ति एक प्रभावशाली भारतीय बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने नालंदा में काम किया। नालंदा विश्वविद्यालय बड़गांव बिहार में था। इसके संस्थापक कुमार गुप्त फर्स्ट गुप्त वंश के थे जहां पर बौद्ध शिक्षा मिलती थी। आइए कुछ बौद्ध संगतियों के बारे में पढ़ेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी अहम और इम्पोर्टेंट है। जो बौद्ध संगतियां थी, चार बौद्ध संगतियां हुई हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ। तो पहली जो बौद्ध समिति थी या बौद्ध संगीति थी, यह बुद्ध के मृत्यु के बाद, कब थी? बुद्ध के मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व। कहां पर हुआ था? सत्पर्णी गुफा राजगृह, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था? अजा शत्रु जो हर्यक वंश का था। कहां का था? हर्यक वंश का था। इसकी विशेषताएं क्या थी? बुद्ध के उपदेशों का संकलन आनंद द्वारा, सुत्ति पिटक जो धार्मिक संभाषण और बुद्ध के संवादों का संकलन था, विनय पिटक जो भिक्षु के नियम का संकलन था। यहां पर वो मैंने बुद्ध के शिक्षाओं के तीनों पिटकों में संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध समिति ये बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व वैशाली बालुका, वैशाली बालुका अध्यक्ष सब कामिन, अध्यक्ष कौन थे? सब्बा कामिन। संरक्षक कौन था? कालासो शिशुनाग वंश का, कालासो शिशुनाग वंश का था। यहां पर इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? भिक्षुओं में महाभेद के कारण बौद्ध संघ विभाजन, जिनमें स्थावीर और महासंघी, माने स्थावीरवादी थेरवाद कहलाए, महासंघी में विभाजन। तृतीय बौद्ध समिति यह समिति यह 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पटना में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? मोगली पुत्तिश और संरक्षक अशोक मौर्य। इसमें बौद्ध मिशनरियों को दूसरे देशों में भेजा गया, अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया, दार्शनिक सिद्धांत को यहां जोड़। चतुर्थ बौद्ध संघ ये 72 ईस्वी में आकर होता। संरक्षक कौन थे? कनिष्क कुशाण वंश के। इसके अध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष थे और अशोकघोष उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष अशोकघोष थे, समिति के अध्यक्ष वसुमित्र। कुंडलवन कश्मीर में यह समिति हुई थी। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान महायान यहीं से बना। यहाँ पे बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान, ये चतुर्थ बौद्ध संगत के बाद बटा हुआ। बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाएं, तभी हम लोगों ने जिस शाखा के बारे में पढ़ा वो ये भी था। ठीक, अब इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। यहां से परीक्षा में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके वो क्लियर हो जाएंगे। महायान, महायान शब्द संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है बड़ा वाहन। यह बुद्ध की दैवीयता, बुद्ध की मूर्ति पूजा और बुद्ध की प्रकृति साकार करने वाले बोधिसत्व विश्वास। हीनयान जिसका शाब्दिक अर्थ एक छोटा वाहन, इसका शाब्दिक अर्थ क्या? एक छोटा वाहन। यह बुद्ध की मूल शिक्षा, बड़ों के सिद्धांत में विश्वास करता, यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता, यह आत्म अनुशासन ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसके अनुयायियों का लक्ष्य अर्थ प्राप्त करना है। थेरवाद यह आज के बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन शाखा, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में पूछे जाते हैं। यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं में सबसे करीब है, यह बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर बल देता है, यह व्यक्तिगत प्रयासों मठवासी समुदाय की व्यक्तिगत मुक्ति और महान अष्टांगिक पथ के माध्यम से ज्ञानोदय पर जोर देता। वज्रयान ये पूछा जाता है, वज्र वाहन का
इसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है? वज्रवाहन को तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है। जैन या महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है जो चीन में तांग राजवंश के दौरान चीनी बौद्ध धर्म के चैन स्कूल के रूप में उत्पन्न हुआ और बाद में विभिन्न स्कूलों में विकसित हुआ था। यह सातवीं शताब्दी जापान में फैल। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं, कुछ मठ वो भी अगर होगा ठीक है मैं आगे बता दूंगा। महत्वपूर्ण शब्द अहर माने प्रबुद्ध प्राणी, पवज्जा माने मठवासी जीवन में एक आम व्यक्ति का प्रवेश, श्रमण जो एक उच्च धार्मिक उद्देश्य के लिए प्रयास करता है साधक, उपसंपदा माने उच्च समन्वय बौद्ध संस्कार जिसके द्वारा एक आम व्यक्ति भिक्षु बन जाता है। बौद्ध धर्म वासा तीन महीनों, वासा क्या तीन महीने जुलाई से अक्टूबर का वार्षिक रिट्रीट थेरवाद के चिकित्सकों द्वारा मनाया जाता है। पवाराण यह वासा के तीन चंद्र महीनों के अंत का प्रतीक है। उपोषण यह अशुद्ध मन की सफाई का दिन है जिसके परिणाम स्वरूप आंतरिक शांति आनंद मिलता है। उपासक यह व्यक्ति जो पारिवारिक जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म का पालन करता है उसे उपासक कहते हैं। बोधिसत्व क्या है? महायान बौद्ध धर्म की बोधिसत्व एक ऐसा व्यक्ति है जो निर्वाण तक पहुंच सकता है लेकिन पीड़ित प्राणियों के लिए करुणा के माध्यम से ऐसा करने में वह खुद के निर्वाण में देरी करता है। बोधिसत्व महायान संप्रदाय के आदर्श है। विभिन्न बोधिसत्व क्या है? मैत्रेय माने भविष्य के बुद्ध और प्रारंभिक बोधिसत्व है। सामंत भद्र ये अभ्यास और ध्यान का बोधिसत्व है। वज्रप्राणी बुद्ध के चारों तीन सुरक्षात्मक देवताओं में से एक के रूप में चित्रित अजंता की गुफाओं में है। अलोकितेश्वर बुद्ध की करुणा के प्रकट करता और दयालु है। क्षितिगत शुद्धिकरण बच्चों के संरक्षण नरक के बोधिसत्व अमर प्रणाली। अमिताभ स्वर्ग के बुद्ध, सदा परिभूत कभी भी अपमानजनक भावना प्रकट नहीं करना। मंजूश्री बुद्धि का बोधिसत्व बौद्ध मठों के ध्यान कक्ष, पुस्तकालय और अध्ययन कक्ष में अक्सर मंजूश्री बोधिसत्व की छवि होती है। आकाश गर्भ ज्ञान और करुणा से जुड़ा बोधिसत्व है। बौद्ध वास्तुकला प्रारंभिक बौद्ध धर्म में वास्तु में तीन प्रकार की संरचना है, स्तूप चैत्य और विहार। स्तूप पवित्र अवशेष मंदिर ये सुरुचिपूर्ण घंटी के आकार की संरचना जो शास्त्रों और पवित्र अवशेषों को स्थापित करती है। चैत्यगिरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। पवित्र प्रार्थना हाल ये चर्चा की याद दिलाते हैं, सांप्रदायिक पूजा और चिंतन के लिए स्थान के रूप में सेवा करते हैं। बौद्ध धर्म विहार मठवासी आवास है, शांतिपूर्ण आवास है जहां भिक्षु निवास करते हैं, ध्यान संलग्न होते हैं, आध्यात्मिक अभ्यास के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं। कुछ प्रसिद्ध स्तूप भैरव राजस्थान में है, सांची मध्य प्रदेश, पिपरवा उत्तर प्रदेश में, राजगिरी वैशाली कपिलवस्तु अलकम्मा रामग्राम यहाँ पर। अच्छा नौ स्तूप है, राजगिरी वैशाली कपिलवस्तु अलकप्पा रामग्राम वेतापिंडा पावा कुशीनगर और पल्लीवाना। बुद्ध की मृत्यु के बाद बनाए गए नौ स्तूप इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अन्य तत्व क्या है? बौद्ध संघ में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए। धार्मिक जुलूसों की शुरुआत सबसे पहले बौद्ध धर्म ने की थी। बैसाख पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार क्योंकि यह भगवान बुद्ध की जयंती है। वह दिन भी है जब बुद्ध को ज्ञान और महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। इसी दिन बौद्ध धर्म के चार तीर्थ स्थल है, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान, दूसरा बोधगया ज्ञानोदय स्थल, तीसरा सारनाथ प्रथम धर्म उपदेश, चौथा कुशीनगर परिनिर्वाण स्थल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक। इसके अलावा परीक्षा पूछे जाते हैं कुछ मठ। बौद्ध मठ ताबो मठ है, ताबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ लद्दाख कश्मीर में है। थिक्से मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मेट्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ गैंगटॉक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। बोधिमंडा मठ बोधगया बिहार में। इस प्रकार ऐसे प्रमुख मठ है जो परीक्षा के लिए काफी हद तक उपयोगी है। परीक्षाओं में कुछ पूछ ले जाते हैं विश्वविद्यालय। अगर मैं विश्वविद्यालयों की बात करूं तो कुछ विश्वविद्यालय आपको पढ़ने हैं। पहला नालंदा,
परीक्षा में प्रश्न आता है। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापना बड़ा गांव बिहार की, माता जी के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त प्रथम, गुप्त वंश से थे, इसका मुख्य था बौद्ध शिक्षा। दूसरा वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय भावनगर, ये भट्टार मैत्रक वर्ष यहां पर हीन यान की शिक्षा होती है। फिर उदंतपुरी है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्धिकालीन विश्वविद्यालय में बता रहा, प्रमुख बौद्ध विश्वविद्यालय। उदंतपुरी बिहार शरीफ बिहार में है, गोपाल ने किया था संस्थापन और गोपाल वंश थे, यहां पे महान यान शिक्षा। फिर आता विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह भी परीक्षा में खूब ज्यादा पूछा गया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, यह अतिचक गांव बिहार में है, यह भी इसके स्थापना धर्मपाल ने पालवंश किया था, यहां पर वज्रयान की शिक्षा दी जाती है। सोमपुर विश्वविद्यालय, ये नौगांव बांग्लादेश में है, इसे धर्मपाल ने पालवंश संस्थापक ने बसाया था, यहाँ पे बहुत शिक्षा दी जाती है। एक है जगदल विश्वविद्यालय, जगदल विश्वविद्यालय ये राजशाही बांग्लादेश में है, इसके स्थापना रामपाल पालवंश के शासक ने की, यहाँ पे तंत्र ज्ञान शिक्षा दी जाती है, ये परीक्षा के लिए बड़े उपयोगी थे। इसके अलावा दो और धर्म आते हैं जो परीक्षा के उपयोगी, अगर आप कहते हैं उन पर भी चर्चा कर, जिनमें दो है शैव धर्म और भागवत धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर अपनी तक आपने शेयर नहीं किया। शैव धर्म क्या था, मैं सबसे पहले शैव धर्म की बात करता हूं, ये शिव से संबंधित शैव धर्म कहलाता है। शिव से संबंधित क्या है, शैव धर्म कहलाता है, ये भारत का एक प्राचीन धर्म है। सिंधु घाटी के लोग शिव की पूजा करते थे, जिसका उदाहरण है मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मूर्ति, जिसे पशुपति शिव की थी। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी भी कहा गया। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या चार बताई गई, जो पाशुपत, कापलिक, कालामुख, लिंगायत चार। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस, एक अन्य संप्रदाय मत्तमपुर भी था जो शैव धर्म से ही संबंधित था। अब आते हैं भागवत धर्म की बात करते हैं, ये वैष्णव धर्म का विकास, भागवत धर्म से वैष्णव धर्म का विकास हुआ है। इसके प्रवर्तक विष्णी वंशी कृष्ण थे, जो देवकी के पुत्र थे। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख, जो संसार के पालक और रक्षक माने गए हैं। कृष्ण और विष्णु के तादम्य से ये पांच रात्र धर्म हो गया। भागवत धर्म वैष्णव धर्म के अवतारवाद की प्रधानता है, विष्णु के दस अवतार इसी में बताए गए हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में गुप्त शासकों का बहुत सहयोग किया है। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख भागवत धर्म का प्राचीनतम अभिलेख भी है। तो यहां पर हम लोगों ने बौद्ध धर्म के अलावा इसको पढ़ लिया, इसके आधार पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक नहीं तो लाइक करेगा, नोट समझेगा तो भी सवाल इस नंबर पर काल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। एनसीईआरटी के सभी नोट 6 से लेकर 12 तक हिंदी अंग्रेजी दोनों मीडियम में उपलब्ध है, 6 से लेकर 12। E-learning with Durgesh ऐप भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने नहीं डाउनलोड किया है। टेलीग्राम पर आप दुर्गेश सर सर्च करके E-learning with Durgesh से जुड़ सकते हैं। मेरी सभी क्लासेज आपके लिए निःशुल्क देश में राष्ट्रीय में उपलब्ध है और आप इस सेशन को पढ़ सकते हैं। कोई सवाल कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं और कोशिश करेंगे सेशन आपके लिए काफी अहम और महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर हम लोगों ने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया। अब नहीं लगता कि यहाँ से अगर सवाल आपका आएगा और आप गलती कर जाएंगे, यार सभी सवाल आसानी से कर पाएंगे और जैन धर्म बौद्ध धर्म पूरी तरह से क्लियर भी हो गया है। तो अब
साथ में नोट्स बनाते चलिए, क्या इस नोट्स को ले लीजिए या शॉर्ट नोट्स भी उपलब्ध है, क्योंकि परीक्षा के ट्रेंड मार रहा है, नए तरह सवाल आ रहे हैं, उस तरह से थ्योरी को भी उसी हिसाब से हम लोग को पढ़ना और समझना पड़ेगा, ताकि हम और आप बेहतर और बढ़िया स्कोर भी कर सके जो परीक्षा के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण। इसके बाद हम सेशन के अगले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तब तक के लिए वीडियो को लोगों तक पहुंचाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।